नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर सेकेंड, बिल्ली का बिलंगुड़ा का प्रश्न और उत्तर। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक लेकर के बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको किस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। चलो अब यहाँ पे पहला देखो क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें क है संजाल। तो देखो ये जो संजाल दिया है ना, इसे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे तो मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि टेक्स्ट बुक में बस इतना ही लिखा है, बाकी ये जो बॉक्सेस है ना ये सभी ब्लैंक है। आपको इनमें इनको क्या करना है, फिल करना है। ओके, तो देखो इस बॉक्स में क्या आएगा, पुरानी विचारधारा घपले में पड़ गई थी। इसमें आएगा घर में चूहे हो गए थे जो आटे व अनाज का नुकसान कर रहे थे। इसमें आएगा मित्रों ने सलाह दी थी। और यहाँ पर आएगा बिल्ली पालने में खर्च कम था। अगला यहाँ पर देखो कहानी के प्रमुख पात्र। तो कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन थे, एक तो लेखक, दूसरा बिल्ली, तीसरा अमरू और चौथे थानेदार। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न क्या है कि बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। देखो बिल्ली के रवैये में क्या परिवर्तन आया था, मतलब उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, परिवार वालों के आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। मतलब जैसे वो पहले परिवार वालों के आगे पीछे घूमते रहती थी, वैसे अभी घूमती नहीं थी, वो क्या करती थी, रसोई के आसपास कोने में दुबक करके बैठ जाती थी। ठीक है, और जब मौका लगता तब मज़े से जो जी में आता वो खाती थी। देखो यहाँ पर लिखा है ना, जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। कौन खाती, बिल्ली। तीसरा यहाँ पर है, स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। चलो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ कि घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले कैसा था और फिर बाद में कैसा हुआ। पहले बिल्ली सब लोगों की थाली से जूठन खाती थी, जूठन ही खाती थी। बच्चे कभी कभी उसे रोटी देते थे। बाद में उसे जो मौका मिलता तब वह रसोई घर से मजे से जो जी में आता खाती थी। पहले बच्चे कभी कभी उसे दूध पिलाते थे, बाद में वह रसोई घर से चोरी करके पीती थी। अब यहाँ पे अगला देखिए, पाठ से आगे। इसमें क्या दिया है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर सहमत प्रकट कीजिए। मतलब देखो प्राणी हमसे कहते, प्राणी हमसे क्या कहते हैं कि जियो और जीने दो। ये जो विषय है ना, इसके बारे में आप अपना अपनी राय बताओ, मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में लिखो। ठीक है, भाषा बिंदु। इसमें क्या दिया है कि शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। देखो आपको क्या करना है, ये जो रेखांकित, रेखांकित मतलब क्या, जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उनके विलोम। अभी विलोम का मतलब क्या होता है, अपोजिट, विरुद्धार्थी। ठीक है, विरुद्धार्थी शब्द आपको खोजने हैं और फिर उनके हेल्प से ना नए वाक्य बनाने हैं, मतलब नए सेंटेंस बनाने हैं। समझ में आ रहा है। देखो पहला क्या है, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, समझदार। तो समझदार का विरुद्धार्थी क्या होगा, ना समझ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो हमने इससे वाक्य भी बनाया है कि छोटे बच्चे ना समझ होते हैं। छोटे बच्चे बोलो या फिर बालक बोलो, दोनों मतलब एक ही है। दूसरा, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। ठीक है, तो अल्पभाषी का विरुद्धार्थी क्या होगा, अतिभाषी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है मैंने, छोटू स्वभाव से क्या है, अतिभाषी है। पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो पुरानी का अपोजिट क्या होगा, नई। तो देखो क्या है, आजकल लोग नई विचारधारा को अपना रहे
हैं, ये है इसका वाक्य प्रयोग। चौथा, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार, दुत्कार का अपोजिट क्या होगा? सत्कार। ठीक है, आज तो कवि जी का बहुत सत्कार हुआ। दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। तो देखो, समर्थन, समर्थन का अपोजिट क्या होगा? विरोध करना। ठीक है, तो देखो हमने वाक्य भी बनाया है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा बल्कि इसका विरोध करूंगा। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं, तो दुर्लभ का क्या होगा? सुलभ। ओके, दुर्लभ का अपोजिट क्या? सुलभ। इसका वाक्य देख लीजिए, आप बस कोशिश करो फिर देखना सफलता सुलभ ही मिलेगी, सुलभ ही आपको मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर है। फिर सातवां, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तो देखो, तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ मतलब ना बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, जो भी उनके विचार है वो अपना विचार रख देंगे, किसी की तरफ से नहीं बोलेंगे। तो तटस्थ का अपोजिट क्या होगा? पक्षपाती, मतलब पक्षपात करने वाला, भेदभाव करने वाला। ठीक है, तो विजय क्या है? पक्षपाती है। आठवां, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। तो भौतिक का अपोजिट क्या होगा? आध्यात्मिक, मन लगाने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है, तो शुष्क का क्या होगा? आर्द्र। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आर्द्र, बरसात में सारी धरती आर्द्र हो जाती है। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय मतलब क्या? हमें क्या करना चाहिए? पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अपव्यय का विलोम क्या होगा? मित व्यय। ठीक है, रोहन हर महीने मित व्यय करके पैसों की बचत करता है। अब यहाँ पे लास्ट में है रचना बोध। तो देखो, इसका उत्तर, प्रस्तुत पाठ में हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने सेकेंड लेसन बिल्ली का बिलंगुड़ा का प्रश्न और उत्तर कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।